यार मिथिलेश सर। जी के पास लाइसेंस है, हमको लाइसेंस होल्डर है नहीं। और मैं बताऊं सेबी के उतना भी लगना है 2012-13 में ना, एक्चुअल में यार वो मिथिलेश जी वगैरह भी यंग है, हम लोग तो तब उस वाले कैटेगरी में जा रहे हैं ना, रिटायरमेंट बराबर वाले कैटेगरी में। ये ना पहले तो एग्जाम भी नहीं होता था, ठीक है, पहले डायरेक्ट एडमिशन मिल जाता था, ठीक है। मैंने 2-3 बार सेबी से दिल्ली में ट्राई किया। फिर जो एक ट्रेडर होता है ना, फुल टाइम ट्रेडर होता है ना, वो चर्सी होता है एक्चुअल में, अगर तो उसी से उसका ब्रेड बटर चल रहा है ना, बराबर उसके अलावा कुछ समझ में आता नहीं एक्चुअली, ठीक है ना। इफ यू आर रनिंग योर ब्रेड एंड बटर, योर फैमिली रनिंग, आप कितना पैसा कमाते हो इट डजेंट मैटर, ठीक है ना। वो तो अपना अपना साइज के हिसाब से है, ठीक है। उसे ना कोई चीज समझ में आती नहीं है, समझ रहे हो ना बात को। तो बराबर वो समहाव बहुत स्किल होते हुए भी बहुत कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि ट्रेडिंग की ना अपनी एक डिस्कशनरी ट्रेडिंग की ना अपनी एक लिमिट है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आप निफ्टी 20,000, निफ्टी 50,000, निफ्टी 1 लाख निफ्टी में काम करने लगोगे, ठीक है ना। अपने माइंड सेट का भी एक लिमिटेशन है, ठीक है ना। बराबर तो ट्रू लेकिन एक ट्रेडिंग एक ऐसी चीज है ना कि अगर आप उसमें घुस गए और आपका ब्रेड बटर उससे चलने लगा, तो फिर दूसरी तरफ सर कहीं दिमाग जाता नहीं है, क्योंकि दिमाग ना बराबर डाइवर्ट हो जाता है। करेक्ट तो 2013-14 में जब लाइसेंस का आया था ना, तभी मैंने अप्लाई किया था। और वो ट्रेडिंग एक्टिविटीज में तुम्हें मुकेश पता है, मेरी 50 लोगों की टीम है, तो इतना आदमी इन्वॉल्व हो जाता है ना, फिर उधर आदमी फोकस नहीं कर पाता है। ट्रू बट ट्रू नाउ सेबिस इज रिस्ट्रिक्टेड, वो कहाँ से कब डंडा मार दे कुछ पता नहीं है। तो मैं तो तुमको भी बोलूंगा लाइसेंस ले लो अपनी कंपनी में, ठीक है, फिर उसके बाद बोलो। क्योंकि यू नो कुछ भी कर रहे हो, ठीक है यार, कुछ पैसे बाजार में देते हो, कुछ पैसे गवर्नमेंट को भी दे दो, कोई बात नहीं। अपना लाइसेंस ले करके आपको चाहे एजुकेशन ही चला रहे हो भाई, बिना लाइसेंस का कुछ काम मत करो, ठीक है ना। क्योंकि क्या है ना कि यार हम करोड़ों रुपए अरबों रुपए कमा के भी क्या कर लेंगे, बताओ ना। एक दिन तो सबको ऐसे ही जाना है, ठीक है। और एक सर्टेन लेवल पे पैसा हो जाने के बाद पैसे कोई मायने रखता नहीं है, बराबर ठीक है। ट्रू वो बैंक बैलेंस ही बढ़ता है, ठीक है, वो पोर्टफोलियो दिखाने के लिए बढ़ता है। खाना तो सबको ही है ना। रजत जी का देखो, रजत गुप्ता जी का देखो, $1 मिलियन के चक्कर पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी आदमी। ग्रास रूट से उठा हुआ कलकत्ता का आदमी है, 10 रुपए का आदमी, वो अमेरिका में जाके कितना बड़ा आदमी बना, $1 मिलियन पे अपनी पूरी करियर खत्म कर ली सर। और $1 मिलियन उसमें 4-5 करोड़ का ही था, 45-50 रुपए चल रहा था उसमें डॉलर, 60-55 रुपए, ठीक है सर, 5 करोड़ रुपए के लिए। तो ये अपने अपनी विजडम के ऊपर डिपेंड करता है सर। मैं तो पैसे को प्रायोरिटी देता नहीं, मैं तो भैया रेपुटेशन को बहुत प्रायोरिटी देता हूँ, ठीक है ना। बराबर और मैं सबको यही सलाह देता हूँ भाई कि मर्डर करके बच जाओगे, 302 करके हो सकता तुम ना जाओ जेल, कोई बड़ी बात नहीं है। दरोगा थानेदार जुगाड़ पाने से बचोगे, सेवी से नहीं बच पाओगे सर। वेरी और वेल सर। सुब्रतो सुब्रतो राय सहारा से जब सेवी ने डॉक्यूमेंट मांगा ना, तो अपने हॉकर टाइट करने के लिए, अपनी पॉलिटिकल पावर दिखाने के चक्कर में ना, उन्होंने दो ट्रक जो है भर के सेबी के ऑफिस दफ्तर के सामने खड़ा कर दिए सर। आज भी जेल में सड़ रहे हैं, आप समझो, कोई पॉलिटिकल लिंक काम नहीं किया, ठीक है। इसीलिए मैं तो सबको बोलता हूँ भाई कि अगर आपको ये करना है, इवन दो कि आप सेल्स रिकमेंडेशन बाय रिकमेंडेशन नहीं दे रहे हो, बट स्टिल फाइनेंशियल मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो, इवन कि एजुकेशन भी सेल कर रहे हो, जबकि एजुकेशन इस फील्ड का नहीं है, मतलब सेबी कोई बोलती नहीं है, स्टिल आप लाइसेंस ले लो। क्योंकि कहीं ना कहीं आप पढ़ा भी रहे हो ना, तो सर वो फ्लो में बाइंग सेलिंग निकलेगा ही आपके मुंह से। आप पढ़ाओगे क्या? आप किसी यस चार्ट, पर्टिकुलर चार्ट को आप समझा रहे हो, उसे रिलायंस का चार्ट है, आप समझा रहे हो अपने ट्रेडर्स, जो भी अटेंड आपके स्टूडेंट है सर, वहां पैसा कैसे होगा? बाइंग सेल आपके मुंह से नहीं निकलेगा, आप बताओ मेरे। तो ट्रू इसलिए यस भैया लाइसेंस इज मस्ट, ठीक है ना, बिना लाइसेंस लिए कोई काम मत करो। हाँ इतना जरूर है कि क्योंकि इंडिया में बहुत इतने ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं। अब जैसे कि मैं सोच रहा था काई एक लाइसेंस लेने के लिए, आज ही मैंने विड्रॉ कर दिया, क्योंकि मैं उसमें अपना इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, अपना ट्रेड नहीं कर सकता, तो फिर वो फायदा कैसा लेने से, ठीक है। इसीलिए इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बनते नहीं इंडिया में। अब 30 दिन पहले मैं उस शेयर को खरीदूं, 30 दिन बाद उस क्लाइंट को रिकमेंड करूं, 30 दिन बाद तो शेयर में क्या हो जाएगा कुछ पता नहीं सर। वेरी और गुड यहाँ पॉइंट का जो थोड़ा रेगुलेशंस है, अब आप ऑलमोस्ट आप मान चलो कि डायरेक्टली 15 करोड़ अकाउंट है हमारे पास डायरेक्टली, जो कि यू नो सेबी के उसमें है, और एनएससी में 9 करोड़ अकाउंट ट्रेड हो रहे हैं, और म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस सब कुछ छोड़ दो, तो ऑलमोस्ट हमारे यहाँ लगभग लगभग 20 से 25 करोड़ डायरेक्टली इनडायरेक्टली बाजार से जुड़े हुए हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो म्यूचुअल फंड में, इंश्योरेंस में, रियल एस्टेट में पैसा लगाते हैं, लेकिन वो डायरेक्ट डीमेट नहीं खुलवा रखे हैं, तो उनको भी हम इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी में काउंट करेंगे, ठीक है। तो 25 करोड़ लोगों पे सर 500-700 एडवाइजर हैं सर, आप सोच सकते हो। 1% भी नहीं है सर।
सर जी जो हैं वो भी सरेंडर कर रहे हैं, क्योंकि इतना लेगुना है इसमें, इतना मतलब इतनी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं ये लोग कि इस वजह से लोग जो है कि वो छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। बराबर। तो ये सारी चीजें हैं ना कि आदमी को जब लगता है कि मेरे अंदर स्किल है, फिर मैं क्यों किसी के लिए करने जाऊं। अब आप ये सोचो कि मैंने कोई स्टॉक लिया, मैं इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हूं, सपोज दैट मैंने कोई स्टॉक लिया, ठीक है। अब वो मुझे लग रहा है कि मुझे अपने क्लाइंट को बताना चाहिए कि इट्स वेरी गुड स्टॉक, ठीक है। अब वो मैं 30 दिन बाद बताऊंगा क्लाइंट को, ओ सर मैंने कोई चीज 2200 पे लिया और वो 2700 हो गया, तब मैं क्लाइंट को बता रहा हूँ 30 दिन बाद, सर कितने दिन मेरे पास क्लाइंट रहेगा, फिर वो मैं बिजनेस ही क्यों कर रहा हूँ, समझ रहे हो। तो ये चीज सेबी को भी पता नहीं, वहां पे सब इतिहास भूगोल पढ़ के आए लोग, आईएएस अधिकारी लोग हैं, उनको कुछ समझ में चीजें आती नहीं। और जो बड़े लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, वो चाहते भी नहीं कि छोटे लोग आए इस बाजार में। थोड़ा सा मैं इसमें टाइम लूंगा, जनरल डिस्कस करूंगा। 2010 में ना, मैं 9-10 की बात बता रहा हूँ, एक कंपनी के साथ मैं जुड़ा हुआ था, तो उनका पीएमएस लाइसेंस था मुकेश। 2010 और 2023 चल रहा अभी, ठीक है, सिर्फ 13 साल हुए हैं, मैंने एक डिकट हुआ लगभग लगभग सर। उस समय पीएमएस के लाइसेंस लेने का जो कंपनी का नेटवर्क था ना, 25 लाख रुपए था, और जो टिकर साइज थी ना, एक इन्वेस्टर कितना पैसा लगा सकता है, 5 लाख रुपए था, ठीक है सर, मिथिलेश जी को पता होगा, 5 लाख रुपए था, ठीक है सर। 10 सालों के अंदर आपने कंपनी की नेटवर्थ बना दी 5 करोड़ रुपए, और टिकर साइज कर दिया अपने 50 लाख रुपए। 50 लाख रुपए। अभी सर मेरे बताओ कितने लोग ऐसे हैं देश में जो फाइनेंशियल फील्ड से जुड़े हुए हैं, जिनका नेटवर्थ टोटल 5 करोड़ रुपए है, और अपनी कंपनी में नेटवर्थ डाल सकता है, बताओ कितने लोग हैं। और कितने ऐसे लोग हैं जो पीएमएस के लिए 50 लाख रुपए दे सकते हैं एकमुश्त, नहीं देते दे। कितने लोग हैं सर बताओ। तो जब इस तरह के रिस्ट्रिक्शन लगाओगे, इस तरह की चीजें करोगे, और फिर आपने 49 लाख से लेकर के 2 लाख रुपए वाले लोगों के लिए कुछ चीज बनाई नहीं है, जो चीज बनाई है उसमें कोई अथॉरिटी नहीं दे रखा है। अगर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर ही है ना, तो वो टर्मिनल ऑपरेट नहीं कर सकता, सिर्फ एडवाइजरी दे सकता है, चाहे एसएमएस के बराबर थ्रू दे, चाहे व्हाट्सएप के थ्रू दे, चाहे अपना एल्गो बना के दे, वही दे सकता, वो मैनेज नहीं कर सकता उनका पोर्टफोलियो। तो आपने 1 लाख रुपए या 50,000 रुपए या 1,000 रुपए से लेकर के 49 लाख लोगों तक के इन्वेस्टर का, एक गरीब पॉपुलेशन की जनता के लिए आपने क्या दिया, आप बताइए। हम तो बड़े लोग ना वो चीजें करवाते हैं, समझो बात को, ठीक है, क्योंकि छोटे प्लेयर्स आ ही नहीं पाए बाजार में। ये सब भी ना, ये ऊपर लेवल का गेम होता है, 5 साल बाद ना ये टिकट साइज 1.5 करोड़ 1 करोड़ का हो जाएगा, और जो नेटवर्थ 5 करोड़ की वो 10 करोड़ की हो जाएगी। जब तक कि 2028 में मैं पीएमएस लाइसेंस लेता हूं, अब मेरे पास 5 करोड़ रुपए हो गए हैं, तब तक वो 5 करोड़ 10 करोड़ हो जाएगा। ट्रू ट्रू। तो ये सारी चीजें लोगों को समझना चाहिए। इसी के फ्रॉड क्यों बढ़ रहे हैं आप समझो, तो फ्रॉडगिरी क्यों बढ़ रही है, फ्रॉडगिरी इसीलिए बढ़ रही है। अभी लोग रेगुलेट हो, मैं कह रहा हूं बहुत लोग रेगुलेट होना चाहेंगे, ठीक है, अब वो रेगुलेशन लाइसेंस मिलेगा ही नहीं, आप क्या करोगे बताओ। तो ये सारी कहानियां हैं जो कि सेबी को सोचना चाहिए, लेकिन भैया छोटे लोगों के लिए कोई नहीं सोचता है, ठीक है, इसलिए खुद को बड़ा करो अगर करना है, उसके बाद लाइसेंस के लिए जाओ। वेरी ट्रू वेरी ट्रू। नहीं सर, आपने बहुत अच्छी और जो सच कड़वा सच आपने दिखाया, बहुत ही अच्छा लगा। और कल जैसे कि हम रिसर्च भी कर रहे थे, हमने देखा था कि सर 1050 भी नहीं है रजिस्टर्ड एडवाइजर। आपने जैसा कल, हम लोग कल जो रिसर्च कर रहे थे, जो आपने देखा था, और यूएस मार्केट में 15,000 है और इंडियन मार्केट में इवन नॉट इन 1%, लेस देन 1% है जो रजिस्टर्ड, उसमें भी कितने सारे सेंडर कर रहे हैं। तो अच्छा तो नहीं लग रहा है, बट स्टिल सर टू बी कंटिन्यूड। देखते हैं कब हम अपनी कंपनी के लिए लाइसेंस लेते हैं, कैसे क्या करते हैं। इट्स गुड टू हियर कि फाइनली आप आए। और लोगों के अंदर सर मालूम है, जब लोग सुनते हैं आपको तो उनके अंदर एक बबल्स जोश आ जाता है, तो ऐसे ही बनाए रखे जोश और कंटिन्यू करते हैं और आते रहे हमारे शो पे। चलिए सर शुरू करते हैं, और आप ही से शुरू करते हैं कि सर प्लीज टेक दी कंट्रोल एंड गाइड अस, लेट अस नो कि क्या लगता है आने वाला समय कि मार्केट क्या रुख दे सकता है, मार्केट में तेजी मंदी, या फिर अभी जैसे कुछ हफ्तों से हम डे ट्रैक कर रहे हैं, मार्केट कहीं नहीं जा रहा है, उसी लेवल पे ऊपर नीचे साइडवेज हो रहा है। तो इस देखिए वक्त क्या करना चाहिए, क्या बेटर रहेगा हमारे? मुकेश, मैं ना ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में बात करूंगा, मैं तो लाइसेंस होल्डर नहीं हूं, तो मैं किसी पर्टिकुलर स्टॉक से बारे में बात नहीं कर प्लीज सकता, ठीक है, और ना तो मैं किसी लेवल के बारे में बात करूंगा। और यार इतना एक्सपीरियंस होने के बाद ना,
किसी जमाने में ना मिथिलेश जी ऐसे बात करने में ना मजा आता था, अब नहीं मजा आता बात करने में ना पर्टिकुलर स्टॉक्स बारे। अब मुझे ये लगता है कि यार लोगों को ना थोड़ा फिलोसफिकल ऐसी बातें जो उनके लाइफ में ना कुछ परिवर्तन हो, आप समझो बात को ना, क्योंकि टिप्स प्रोवाइडर तो बहुत है बाजार में और बहुत लोग देंगे, ठीक है ना। देखो यार बाजार को समझ लो ना, बाजार ना को ना थोड़ा बड़े प्रोस्पेक्ट से, ट्रेडर को भी ना बड़े प्रोस्पेक्ट से देखना चाहिए बाजार को ना, छोटे प्रोस्पेक्ट से नहीं देखना चाहिए। अभी आप देखो कि मैं कुछ दिन पहले डेटा पढ़ रहा था कि इंडिया में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में 468% ऑप्शंस में ट्रेडिंग बढ़ी है, 468%, 468% ऑप्शन में ट्रेडिंग बनी है, बढ़ी है। अब मुझे बाजार में 23 से 24 साल हो गए, ठीक है सर, और मैं बनारस रहने वाला हूँ मुकेश जी, आपको पता है जब मैं दिल्ली में आया था 7-8 हज़ार रुपए की, उस जमाने में एमबीए करके 7-8 हज़ार की नौकरी मिलती थी, ठीक है ना। और मैं तब से बाजार को ट्रैक कर रहा हूँ, और बाजार में मैं पहले बोला हूँ आज बोला हूँ सिर्फ 4 तरीके के लोग पैसा बनाते हैं, ये आप जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज है उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं सबको सलाह देता हूँ, अगर आपका 1 करोड़ रुपये बन गया, 1 करोड़ रुपये अगर आप लो मिडिल क्लास के हो, आपको लगता है 1 करोड़ रुपये आपको बन गया, आप ट्रेडिंग को छोड़ दो सर, आप इन्वेस्टिंग में इतनी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी चार्ट के बेसिस पे ही, चार्ट के बेसिस पे इन्वेस्टिंग में इतनी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आपको रिस्क लेने की कोई जरूरत ही नहीं है। और आप ये समझो कि चार तरीके के लोग पैसा बनाते हैं बाजार में, ये सत्य है और ये बिल्कुल यूनिवर्सल ट्रूथ है। और मैं पिछले 20 साल से दिल्ली का ऐसा कोई स्टॉक ब्रोकर नहीं है जो मुझे जानता नहीं है, ठीक है, और कम से कम 2000-4000 प्रोप्राइटरी ट्रेडर्स हैं जो मुझे पर्सनली जानते हैं दिल्ली में। सिर्फ 4 तरीके के लोग पैसा बनाते हैं बाजार में, एक ट्रेंड फॉलोअर बनाता पैसा, ठीक है, दूसरा मीन रिवर्सल ट्रेडर पैसा बनाता है, तीसरा आर्बिट्राजर पैसा बनाता है, चौथा हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग फर्म जो बड़ी बड़ी ट्रेडिंग फर्म है जो 4-4 करोड़ 3-3 करोड़ का आईएटीएन को रखती है, अपनी बड़े हाई एंड सर्वर्स रखते हैं, इसके अलावा सर लॉन्ग टर्म में कोई पैसा नहीं बनाता है। और फ्लूक से पैसा आपका बन भी गया ना, बन गया मान लो बन ही गया ऑप्शंस में सेलिंग करके बाइंग करके किसी तरीके आपने बना दिया ना, ये लिख लो 5 साल बाद वो दिखेंगे नहीं कहीं, ये गारंटेड, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, बाजार लेके ही जाएगी, मानेगी नहीं, वो लेके जाना ही जाना है। सो उसके पीछे भी रीजन है, रीजन क्या है कि देखो यार हमारे पास ना 3 साल पहले ना सिर्फ और सिर्फ ढाई, मिथिलेश जी को पता है 2.5 या 3 करोड़ अकाउंट थे, ये बाजार को यार हम तो छोड़ो बड़े बड़े जो बिलियनेयर्स लोग हैं ना वो भी नहीं समझ पाए बाजार, सब जो है ना लॉन्ग टर्म में ना स्पेकुलेट ही करते हैं, किसका बेट कितना अच्छा लग गया, किस्मत भी है और कुछ मेहनत भी है, ठीक है ना, करते सब स्पेकुलेट ही है, ठीक है, कोई लॉन्ग टर्म के लिए करता है कोई शॉर्ट टर्म के लिए करता है। तो ऑप्शंस ट्रेडिंग में सिर्फ 2 तरीके के लोग पैसा बनाते हैं, एक आर्बिट्राजर्स जो 12% 14% 15% के लिए वो भी हाई एंड अपना ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम बना रखे हैं, हाई एंड सर्वर्स ले रखे हैं वो, और जितना जो उतने हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग फर्म है गुड़गांव में बेंगलोर में जो करोड़ों रुपए के सॉफ्टवेयर करोड़ों रुपए के स्टाफ प्रोग्रामिंग के रखे हैं वो, तीसरा सर लॉन्ग टर्म में कोई पैसा नहीं बनाता, कोई विराट कोहली एक आख एक्सेप्शन निकल जाए तो सर अगर 5 लाख में भी एक निकल गया तो बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए मैं जो बोलना चाह रहा था कि जो 3 साल में कोरोना काल में लोग आए ना उनको कुछ फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में कुछ भी नहीं पता, उनको तो लगा यार घर बैठे बैठे मैं क्या करना है, चलो अकाउंट खुलवाते हैं ट्रेडिंग करते हैं, और उसमें जो पहले से यूट्यूबर्स थे ना उनकी किस्मत खुल गई, उनके स्टार थे ना राहु केतु थोड़े से सही हो गए, तो क्या है ना उनको मिल गया क्लाइंट, अच्छा ट्रेडर्स को भी कुछ नहीं पता उनको क्या करना है, उनको लगता है कि यार ऑप्शन बाइंग करो उसमें 2000 रुपए से हम 20,000 रुपए कमा सकते हैं, समझ रहे हो बात को। तो ये चीजें हैं जो कि ट्रेडर्स को इट्स वेरी डिफिकल्ट टू यू नो टीच की क्या करना है क्या नहीं करना, कोई सुनता भी नहीं है। तो जहां तक बाजार की आपने बात बोला, बाजार में देखो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम तो बाजार में तेजी ही है, मुझे ऐसा लगता है कि इलेक्शन के पहले बाजार का जो मिनिमम लेवल है ना 18,200 का है, ठीक है, 18,200 के नीचे बाजार मुझे नहीं लगता कि जाएगी, एक ही केस में जा सकती है कि जब इंडिया भी इन्वॉल्व हो जाए और दूसरे कंट्री भी युद्ध में इन्वॉल्व हो, जियो पोलिटिकल टेंशन कुछ क्रिएट हो जाए तो चांसेस है, दूसरा मोदी जी हार जाए तो चांसेस है, जो कि मुझे दोनों नहीं लगता है कि युद्ध कोई भी कंट्री करना नहीं चाहता है, ठीक है, तो मुझे लगता नहीं कि बाजार 18,200 के नीचे जानी चाहिए किसी भी कंडीशन में, ठीक है। और
ये जितने भी फंड मैनेजर्स हैं या पोर्टफोलियो मैनेजर्स हैं, ये कभी बियर होते नहीं है। बियर रहेंगे, इनके पास कोई क्लाइंट आएगा नहीं, ठीक है। और जब 20,200-100 बाजार के थे, तब भी मुकेश मैंने तुमको बताया था कि दुनिया की ना कोई भी एसेट क्लास हो, गोल्ड हो, रियल इस्टेट हो, स्टॉक मार्केट हो, ना कंटिन्यू राइज नहीं करती है, ठीक है। इंडेक्स का ना ग्लोबली या इंडिया में भी सीएजीआर ना 10 से 12% का होता है, तो बाजार ना उसको मेंटेन करती है, ठीक है। वो हो सकता है 2023 में अभी रैली आई है बाजार में, हो सकता है ये इलेक्शन के बाद 20,700 20,800 के ऊपर जाए ना, फिर बाजार में नीचे आए, उसके बाद बाजार ऊपर जाए, फिर 24,000 23,000 के करीब जाए। तो जो मेरा करंट का जो हिसाब किताब है जनवरी तक का, मुझे लगता है कि 18,200 के नीचे मार्केट को नहीं जाना चाहिए। तो ये मेरा व्यू है, जो ओवरऑल मैं व्यू दे रहा हूँ। तो सर, अगर चलिए 1% अगर 18,200 भी टूट जाता है, तो उसके बाद आपको क्या लगता है कि वहां से मार्केट कितना कितना नीचे गिर सकता है, यार कितना ड्रॉडाउन हम देख आ, सकते हैं? मेरे को चांसेस तो बिल्कुल 10% भी नहीं है, लेकिन इन केस बाजार है, कुछ भी हो सकता है, तो मेरे को लगता है कि शायद प्रीवियस लो जो है 15,200 का, जो अभी 2021 अच्छा। में मारा था, हो सकता है वहां तक बाजार आ जाए। तो मुझे लगता नहीं वहां तक बाजार आएगी, क्योंकि ना शॉर्ट टर्म्स करेक्शन है, मंदी बियर मार्केट नहीं है। जब बियर यस। मार्केट होती है ना, 30% 35% 40% करेक्शन तब होता है, ठीक है ना। ये प्रॉफिट बुकिंग टाइप के करेक्शन होते हैं, बीच बीच में आते रहते हैं, ये ना झटके देते रहते हैं, जैसे कल आठ क्या कहा गया था, बीच बीच में ना झटके आते रहते हैं, तो आते रहेंगे बीच बीच में झटके। बट यह है कि 18,200 पे मुझे लगता है कि अगर कोई SIP कर रहा है तो अपना लमसम वहां थोड़ा बढ़ा दे, कोई स्टॉक्स में SIP कर रहा है तो वहां पे लमसम थोड़ा बढ़ा दे, ठीक है। और कोई ट्रेंड फॉलोइंग खेल रहा है तो वहां से लंबे राइड के लिए स्टॉक्स को ले, ठीक है ना। तो ये मुझे लगता है कि 18,200 इज ए इम्पोर्टेंट लेवल एट एनी कॉस्ट। और सर, अभी हाल फिलहाल में अगर आप देखेंगे, मार्केट को ट्रैक करेंगे, तो वो एक जोन में चल रहा है ना, वो ऊपर की ओर जा रहा है ना वो नीचे की ओर जा रहा है। तो क्या लगता है कि ये जोन अभी यार कितना अभी लंबा और छह स्ट्रेच हो महीने में, सकता है? 6 महीने में यही यही इम्पेशन समस्या तो यही है ना। 6 महीने में लोगों ने खूब पैसे बनाए हैं दबा करके, मतलब 16,200-16,400 से बाजार 20,800 हो गई लगातार कंटिन्यू भागी, और मिड कैप स्मॉल कैप में तो 5 गुना 4 गुना 3 गुना शेयर हो गए, समझो। यस। अब 2 महीने से बाजार 1.5 महीने से पॉज हो गई है या हल्का मंदी में आ गए, तो लोग टेंशन में आ गए। ये तो बाजार का करेक्टर है सर, मंदी नहीं है तो नए लोग कहाँ घुसेंगे, आप ये समझो ना बात। तो आना भी चाहिए बाजार में करेक्शन, तो मुझे लगता है 18,200 इम्पोर्टेंट लेवल है, और उसके नीचे तो बाजार को नहीं जाना चाहिए। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। नहीं, बहुत थैंक यू सर, बहुत ही अच्छा लगा। नितिलेश जी, चलिए अब आपके पास आते हैं। आप बताइए कि मार्केट को आप किस नजरिए से देख रहे हैं, क्या लगता है आने वाले दिनों में क्या करना चाहिए, क्या बेस्ट रहेगा, और कोई बेस्ट स्टॉक पिक अगर आपके पास हो? देखो डेफिनेटली बाजार में मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा पैनिक है, और मैं कंटिन्यूसली एक चीज कह रहा हूँ कि थोड़ा सा पैनिक मुझे भी लग रहा है, लेकिन 18,850 जब चल रहा था मार्केट, तब मैंने क्लियर कट व्यू एक दिया था कि यहाँ से मार्केट में एक बिकवाली का दौर नहीं देखने को मिलेगा, एक बाउंस देखने को मिलेगा। देखो चार्टिंग के लिए जब हम लोग स्टडी करते हैं, जब सबको मार्केट मंदा लगता है वो कभी भी मार्केट मंदा नहीं होता है, क्योंकि सब को अगर पता चलेगा कि मार्केट यहाँ से गिरने वाला है या बढ़ने वाला है तो थोड़ा सा डिफिकल्टीज हो सकता है। तो मुझे एक लेवल जो लग रहा है, जिसको मैं प्री दिवाली रैली की तरह देख रहा हूँ, कि 19,450 से लेके 19,600, ये लेवल से अगर आता है मार्केट में किसका रन से, तो वहां पे एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देखी जा सकती है, और अपने जो लॉन्ग से उसको एग्जिट किया जा सकता है। क्योंकि आने वाला समय मुझे लग रहा है कि दिसंबर जनवरी ये लेवल तक मार्केट एक बार के लिए 18,200-17,800 ये लेवल सब चल सकता है। उसके बाद थोड़ा सा हम लोग अगर देखेंगे तो बजट वाला सिनारियो आएगा, बजट रैली आएगी, वहां पे अगर डिसअपॉइंटमेंट होता है या फिर कुछ अच्छी चीजें आती है तो वहां से एक बाउंस बैक देखने को मिलेगा। तो वो बाउंस बैक कैसे आता है, क्या चीजें होती है, इलेक्शन रैली होगी थोड़ा सा, तो आपको समझना पड़ेगा कि आप अगर आप 19,500 पे बैठे हो तो सीधा 15,000 की बातें ना करो, और 19,500 पे बैठने के बाद 20,000 22,000 25,000 की बातें ना करनी चाहिए। तो जो सामने दिख रहा है हमें वो छोटे छोटे मूव, जैसे कि मैं हमेशा ये चीज कहता हूँ कि 500 पॉइंट 700 पॉइंट 800 पॉइंट, उस नजरिए से आपको देखना पड़ेगा। अभी मैं कुछ चीजें देख रहा था कि आपको अगर दिख रहा है कि मार्केट में मंदी है, ओके, तो आपको पहले ही आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन से लेवल्स बाजार के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं सर को सुन रहा था कि आप अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आपके एरिया में आपको मालूम होना चाहिए कि 18,200-17,800 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, यहाँ पे मेरा थोड़ा सा SIP का फॉर्मेशन चालू होना चाहिए, फिर बाजार में
जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट आएगा वो 17,200 16,800, वहां पे मुझे थोड़ा सा और पोजीशंस को क्या करना चाहिए, ऐड करना चाहिए। देखो गिरते हुए बाजार में आप एग्जैक्टली टॉप और बॉटम और चढ़ते हुए बाजार में एग्जैक्टली टॉप आप नहीं पकड़ सकते, क्योंकि आपको एक एरिया ढूंढना पड़ेगा कि मुझे कहाँ पे जाके मेरी पोजिशन को कट करना है या फिर कहाँ पे जाके मेरी पोजिशन को लेना है। तो ओवरऑल बाजार में थोड़ा सा पैनिक है, और मैं देख रहा हूँ कि 17,800 18,200 ये लेवल्स के लिए बाजार में एक बार के लिए आना चाहिए। ग्रेट ग्रेट, परफेक्ट वंडरफुल वंडरफुल, परफेक्ट। परफेक्ट और सर ये बता सकते हैं कि मार्केट में फिलहाल, जो सर से मैंने पूछा था अगला सवाल, कि अभी जो एक साइडवेज जोन चल रहा है, तो कितना लंबा स्ट्रेच होगा, या आपको उम्मीद है कि अगले हफ्ते कुछ हम तेजी दे सकते हैं, या फिर हमें अभी पॉज ही रहना चाहिए? स्पेशली इंडिया में ज्यादातर लोग बायर्स हैं, तो अभी भैया कहीं कोई अपॉर्चुनिटी है, बैठे रहो ठंडे, वेट करो, जब आएगा तब मारना। देखो बाजार में अगर हम लोग देखेंगे तो काफी समय कंसोलिडेशन ही होता है। अगर हम लोग देखेंगे जब सबको लगता है कि बाजार यहाँ से 20,000 22,000 वो चला जाएगा, तो बाजार हमेशा डिसअपॉइंट करता है। लास्ट टाइम भी 16,000 के आसपास डिसअपॉइंट किया था, 18,000 के आसपास वो ब्रेकआउट ही नहीं दे रहा था, फिर अचानक से मार्केट चलने लगा, 20,000 तक चल गया। 20,000 चलने के बाद लोगों ने एक्सपेक्टेशन बनाए 21,500, और वहां पे मार्केट ने फिर से डिसअपॉइंटमेंट किया। तो आपको एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि बाजार हमेशा अगर हम लोग ट्रेड करेंगे तो 60% टाइम 70% टाइम साइडवेज ही रहता है। कुछ ऐसे मौके आते हैं वहां पे ही बाजार क्या करता है, एक मोमेंटम दिखाता है। तो पैनिक है और बाजार में कंसोलिडेशन चलते ही रहेगा। तो अगर आप ट्रेडर हो तो छोटे मोटे स्विंग के लिए प्ले करना चाहिए। अगर आप इन्वेस्टर हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपका लेवल कौन सा है। जैसे मैं चार्ट को स्टडी कर रहा था, LNT का एक लेवल है 2,500 के आसपास, एक गैप पेंडिंग है जिसको मैं यूज करता हूँ। तो वहां पे शायद आप थोड़ा सा प्लान कर सकते हो कि ये लेवल है, यहाँ पे अगर LNT का स्टॉक आता है यहाँ से अगर करेक्ट होके 10-12% का, तो छोटा सा क्वांटिटी आप वहां पे ऐड करके चल सकते हो। तो वो जो चीजें हैं वो आपको समझ भी पड़ेगी। अगर आप सेलर हो तो आपको लेवल मालूम होना चाहिए। जैसे कि मैंने मेरे क्लाइंट्स को एक पोजीशन बता के रखा है कि 19,500 19,600 ये लेवल आपके लिए सेलिंग का लेवल होगा। तो ये कंसोलिडेशन का फेज मार्केट में हमेशा आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि बाजार में जब सबको लगता है कि यहाँ से पैसा बनाना आसान हो जाता है, मार्केट हमेशा डिसअपॉइंट करेगा। क्योंकि कोविड के बाद लोगों के पास पेशेंस नहीं है। सबको ऐसा लगता है कि बाजार में दिन में मैं 2% कमाऊंगा 5% कमाऊंगा 20 दिन में पैसा डबल, वो ऐसी चीजें नहीं होती। जो मार्केट में आया है काफी समय से, मार्केट में उसने टाइम स्पेंड किया है, तो उसको मालूम है कि ईयर ऑन ईयर रिटर्न्स जनरेट करना इस बाजार में कितना डिफिकल्ट है। आप ये नहीं सोच सकते कि 20,000 रुपए लगा के मैं दिन का 2,000 रुपए कमाऊंगा। आप कमा सकते हो ऐसे नहीं, लेकिन वो कंसिस्टेंट बेसिस के ऊपर आप कमा नहीं सकते हो। तो ओवरऑल बाजार अभी एक सब लोग इसमें आए हैं तो कंसोलिडेशन करेगा, और एक झटका पेंडिंग है वो झटका जरूर देगा। ग्रेट ग्रेट, वंडरफुल वंडरफुल। चलिए सर, अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपके पास कोई स्टॉक है जो आप दिखाना चाहो, या कोई जो आपने परफेक्ट लेवल निकाल रखा हो अगले हफ्ते के लिए, जो जहाँ पे हमारे जो निवेशक जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए कुछ हेल्पफुल कुछ है आपके पास निकला हुआ? देखो डेफिनेटली एक डिस्क्लोजर देना चाहूंगा कि एशियन पेंट को मैंने कुछ चैनल्स के ऊपर रेकमेंड किया है और कुछ क्लाइंट्सों के साथ पोजीशंस को भी डिस्कस भी किया है। तो एशियन पेंट में अगर हम लोग देखेंगे तो एक अच्छा खासा बेस फॉर्मेशन जो था, जो पिछला वाला ब्रेकआउट था 2930 2940, उस लेवल से एग्जैक्टली मार्केट ने क्या किया है, बाउंस बैक किया है। पर अभी वो चल गया 2970 के आसपास, तो थोड़ा सा अगर डीप मिलता है 2950 के आसपास तो वहां पे पोजीशंस को बनाई जा सकती है। वहां पे 2920 2910 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना। अगर यहाँ से बाजार में तेजी आती है तो पहला टारगेट 3,050 से लेके 3,100, ये दो टारगेट के लिए आप क्या कर सकते हो, प्लान कर सकते हो। इसमें एक एडवांस अगर हम लोग करेंगे तो क्रूड के प्राइसेस भी थोड़ा सा ठंडा हो रहा है, दिवाली फेस्टिवल भी है, थोड़ा सा सेल्स भी इंक्रीज हो सकता है। तो थोड़ा सा एक ओवरऑल मूड और माहौल को देख के थोड़ा सा आप इसमें पोजिशन बना सकते हो। देखो जो भी क्वांटिटी लेना है वो कैश में लेना है, फ्यूचर्स नहीं लेना है, क्योंकि ओवरऑल जो पोजिशन है बाजार की यहाँ पे झटके लगना बाकी है। अगर आप फ्यूचर्स में लोगे पोजीशंस को, आप प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाओगे। तो बेस्ट है आप अगर कैश में लेते हो स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस को फॉलो करके, तो आपके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी एशियन पेंट में बन सकता है। दूसरा चीज मुझे जो लग रहा है सेम स्टॉक बीपीसीएल का है। एक बीपीसीएल में स्टॉक में अगर हम लोग देखेंगे तो एक बेस फॉर्मेशन का एरिया बन चुका है 350 से लेके 330, एक स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्मेशन का एरिया। तो यहाँ पे अगर मिलता है 350 से लेके 335, इस रेंज में एक्युमुलेट किया जा सकता है। 320 रुपए का आपको स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा,
इस चार्ट को मैं क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा हूँ, वीकली चार्ट को, डेली चार्ट को, तो एक बेस फॉर्मेशन एरिया बन चुका है। पहला एक ओवरऑल अगर हम लोग टारगेट देखेंगे तो 400 रुपए का टारगेट को हम लोग प्लान करेंगे। अगर 400 को निकाल देता है तो इसमें बड़े टारगेट्स आपको देखने को मिलेंगे, 550+ के टारगेट। लेकिन इसके लिए थोड़ा सा समय देना पड़ेगा, कम से कम 6 से लेके 8 महीने। मुझे लग रहा है कि बजट के टाइम पे इसमें कुछ ना कुछ हलचल हो सकती है, जो सबका एक्सपेक्टेशन था, लेकिन इस बार कुछ ब्रेकआउट स्टॉक दे ही सकता है। स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली ध्यान में रखें। ये स्टॉक जो भी मैंने डिस्कस किए ऑलरेडी, मैंने क्लाइंटों के साथ या फिर और चैनल्स के ऊपर भी डिस्कस किए, बिना पर्सनली ओके, कोई भी ग्रेट होल्डिंग। ग्रेट ग्रेट, वंडरफुल वंडरफुल। चलिए सर, एक आखिरी सवाल है जो वापस में मैगी सर के पास आना चाहूंगा। सर, कुछ ही दिनों में दिवाली आने वाला है और एक उम्मीद होता है कि यार दिवाली में तो यार मार्केट ऊपर जाएगा, या ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा। तो आपको क्या लग रहा है कि सर, चलो मैंने देखा कि यार इतने दिनों से मार्केट कंसोलिडेट हो रहा है, बट क्या दिवाली में क्या एक राहत देगा इन्वेस्टर या फिर ट्रेडर को कि चल यार मार्केट यहाँ से बाउंस बैक भी करेगा, विक्स भी हमारा थोड़ा ऊपर होगा, क्या लगता है आपको? मैं शॉर्ट टर्म की बात करूं, आने वाले हफ्तों में। देखो, मिथिलेश जी ने बहुत सही बात बोली है। बिल्कुल मेरा भी व्यू बिल्कुल इनसे रिजेंबल कर रहा है कि होता क्या ना, बाजार में जब ना बहुत सार फॉल आता है ना मुकेश, और दूसरे सार फॉल के लिए थोड़ा सा बाउंस बैक आता है। तो देखो क्या होता है ना कि ये 18,900 के करीब, 18,800 के समथिंग निफ्टी आई थी, वहां से ना सीधे 200 के फिर नीचे आई, फिर कल भी हो सकता है मंडे को भी थोड़ा 100-150 पॉइंट ऊपर ही खुलेगी। ठीक है, बिल्कुल सही कहा कि 400-500, 550 के लेवल पे जाके ना बाजार फिर वहां से नीचे आना शुरू होगी, क्योंकि ना वो धीरे धीरे जोन में आती है। ठीक है, यूं यूं करके बाजार का बढ़ती भी थी, यूं करके बढ़ती है, ठीक है, गिरती भी थी, यूं करके गिरती है। तो बिल्कुल सही, मैं उनकी बात से बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ कि उन्होंने जो लेवल दिया बिल्कुल रिजेंबल कर रहा है मेरे थॉट प्रोसेस से। और मैंने बोला था कि 18,200 वो लेवल बोला था, 17,700-800 जो निखिलेश जी ने बोला बिल्कुल सही बोला है कि शॉर्ट टर्म वहां से वहां तक बाजार जा सकती है, लेकिन बहुत कुछ पैनिक हुआ तो 15,200 तक बाजार, बहुत कुछ हुआ तो संभावना है। अदर और एक बात जिन्होंने बहुत अच्छी बोली कि ट्रेडर्स के लिए ना 400-500 पॉइंट के स्विंग पे ही ना उसी पे ही कंसंट्रेट करके काम करना चाहिए ना। ठीक है ना, कि उन्होंने बिल्कुल सही बोला कि अगर आप बाजार 19,000 या चली गई तो 22,000-25,000 की बातें करने से, 20,200 चली गई तो टीवी के एंकर्स भी एनालिस्ट हो जाते हैं आजकल ना, तो 25,000 की बातें करने लगते हैं, तो वो चीज नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, अगर आप ट्रेडर हो ना तो आपको 200 300 400 पॉइंट के जोन में ही अपना ट्रेड का एक स्ट्रक्चर बनाना चाहिए। तो बिल्कुल उन्होंने सही कहा और बिल्कुल सही बात है कि 18,200 और अभी 500 550 तो हो सकता है बाजार चली जाए, 600 भी चली जाए, वहां से फिर दोबारा करेक्शन आएगा बाजार में। ठीक है ना, क्योंकि बाजार फिर बाजार ऑलरेडी मुकेश 16,800-700 से लेकर के कंटिन्यूअस बेसिस पे 20,200 तक गई है। आप समझ रहे हो बात ट्रू को, ट्रू तो रिट्रेसमेंट तो बाजार में आना ही आना है सर, इसको कोई रोक ही नहीं सकता। बाजार का, बाजार के करेक्टर है, ये आएगा ही आएगा। ठीक है, और पैनिक तब क्रिएट होगा जब मिड कैप स्मॉल कैप जो 5-5 गुना, 3-3 गुना, 2-2, 2.5-3 गुना हो गया ना, उसमें भी करेक्शन नहीं आ रहा, उसमें करेक्शन आएगा ना तो थोड़ा पैनिक ज्यादा होगा बाजार में। ठीक है, बट अब यही क्वेश्चन उठता है कि बहुत सही बात है कि उस समय जब पोजीशन ऐड करने की टाइम होता है ना, तब ट्रेडर या इन्वेस्टर ऐड नहीं करता पोजीशन, और रियल टाइम वही होता है कि है ना उसी टाइम पोजीशन को ऐड करना चाहिए। उसके पीछे रीजन है, देखो यार हमारे यहाँ क्या है ना, फाइनेंशियल लिटरेसी की बहुत कमी है। फाइनेंशियल लिटरेसी में हमको ये नहीं पढ़ाया जाता है कि हमको कौन सा पैसा बाजार में लगाना चाहिए। मेरी 1.5 लाख रुपए, 1 लाख रुपए मैंने सपोज सैलरी या मेरी किसी कहीं से इनकम है, ठीक है, तो पहले भैया हम अपने घर के एक्सपेंसेस को निकालें, अपने अपने जो इमरजेंसी फंड्स हैं उसको निकालें, वहां से जो बचता पैसा उस पैसे को इंश्योरेंस इंश्योरेंस जो भी मेडिक्लेम वगैरह लेना है, उसके बाद जो रिस्क कैपिटल है ना वो बाजार में लगाना चाहिए। समझ रहे हो, तो होता क्या है यहाँ पे वो लिटरेसी है नहीं, वो अपने पैसे को भी वाइफ से भी चोरी कर रहे हैं, मम्मी पापा से भी चोरी करके पैसे बाजार में लगा रहे हैं, बाजार नीचे आ जाती है उनको ऐड करने का मौका नहीं मिलता बाजार में। तो ये एक कमी है जो कि हमारे इन्वेस्टर्स की, उसको कोई पढ़ाता भी नहीं है। ठीक है, सबको अपनी लगी हुई है, कौन किसको ध्यान देता है, ये तो खुद ही पढ़ना पड़ता है भाई। ठीक है ना, तो ये एक कमी है जो कि ट्रेडर को और इन्वेस्टर को दोनों को समझना पड़ेगा, तभी लॉन्ग टर्म में जाकर के पैसा बनता है। और देखो शेयर बाजार में ना ये जान लो कि जो लो मिडिल क्लास के लोग हैं या जो मिडिल क्लास वाले हैं, ठीक है, इससे अच्छी मशीन कोई है नहीं बाजार में। ये मैं खुद जीता जाता जागता उदाहरण हूँ ना, तो मैं, मेरे पास कोई ट्रेनिंग है तुम्हें पता है ना, कोई टिप्स देता हूँ ना, मैं कोई एडवाइजरी देता हूँ ना, कुछ नहीं मेरे पास सिवाय ट्रेडिंग के। ठीक है, मैंने लाइफ में सब कुछ ट्रेडिंग से बनाया, और ऐसा नहीं है कि कोई ये आसान रहा है सफर। ठीक है ना सर, पता नहीं कितनी सेरिडान की टेबलेट खाए होंगे, ठीक है, पता नहीं कितनी रात एक बिना खाए सो गए,
ठीक है, ये सबके साथ हुआ है, ऐसा थोड़ी कि बीए के डीए के साथ नहीं हुआ होगा, उनके साथ भी हुआ होगा सर। ठीक है, वो तो सक्सेस होने के बाद कुछ लोग अपनी बातें बता देते हैं, कुछ लोग नहीं बताते हैं, छोड़ो यार क्या बोलना है इसको, तो इतनी आसान जर्नी नहीं है। लेकिन ये हर फील्ड में है, ऐसा नहीं कि रेस्टोरेंट का बिजनेस फ्लॉप नहीं होता, ऐसा नहीं कि कोई इंडस्ट्री फ्लॉप नहीं होती, ऐसा नहीं कोई फैक्ट्री नहीं फ्लॉप होती है ना, वो सब कुछ है। यहाँ पे चूंकि स्टैंड हो जाता है और लोगों का धंधा ना कैपिटल बहुत छोटा होता है, तो इसको ना तुरंत निगेटिविटी में ले लेते हैं। लेकिन अगर प्रोसेस को आप फॉलो करो, सिस्टमेटिक ढंग से काम करो ना सर, इससे अच्छी कोई चीज है ही नहीं सर। 100% लिक्विडिटी है सर, क्या चाहिए आपको? आज आपका पोर्टफोलियो 5 करोड़ रुपए का है, कल आपको पैसा चाहिए, साला कल आपके अकाउंट में पैसा आ गया, 5 करोड़ का रियल इस्टेट है, आप बेचने जाओ 3 करोड़ में बिकेगा। वेरी ट्रू, तो इससे अच्छी चीज कोई है नहीं, बशर्ते इसको एज ए बिजनेस की तरह ट्रीट करे आदमी, है ना, और सिस्टमेटिक ढंग से काम करे, लाइब्रेरी में समय बिताए, है ना, और लाइब्रेरी में समय बिताएगा तब वो जा करके ना दो चीज ऐसी है लाइफ में, एक पर्सनल ग्रोथ, उसमें फाइनेंशियल ग्रोथ भी है, और दूसरा पॉलिटिकल ग्रोथ, दोनों के लिए भी ना लाइब्रेरी बहुत जरूरी है। लाइब्रेरी में आप समय नहीं बिताओगे तो फिर मजा नहीं आएगा लाइफ में। इसलिए देखिए 1% लोग ना सक्सेसफुल हैं पूरी दुनिया में, और 99% लोगों का वेल्थ ना 1% लोगों के पास है। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है, जब तक ये चीजें नहीं होगी तब तक वो बहुत मुश्किल है सरवाइव करना लोगों को। तो मिथिलेश जी ने जो बताया लेवल बिल्कुल एग्जैक्ट है, वो उसी लेवल पे मैं भी कायम हूँ कि बाजार हो सकता है 100-150 पॉइंट ऊपर जाए, वहां से फिर दोबारा करेक्शन आए बाजार में, और वो करेक्शन इस बार का जो करेक्शन होगा ना वो धीरे धीरे नीचे की तरफ ही जाएगा। अब अगर मेरा मानना है 18,200 के करीब में ना थोड़ा सा थम जाना चाहिए बाजार को, और 1700-1800 लेवल तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है जो उन्होंने बताया है। मुझे तो अगर युद्ध भी हो गया ना तो मुझे वो लेवल तोड़ते नजर नहीं आता। वो लेवल तोड़ने का मतलब है, उसके बाद गिरने का मतलब है ना कि वो बियर रैली, और साइकिल एनालिसिस के हिसाब से ना 5 साल 7 साल के पहले ना बियर रैली आती नहीं है, 5 साल की है, हालांकि 2 साल की भी है लेकिन वो करेक्शंस है, आप समझो बात को, दैट इज नॉट बियर मार्केट रैली। तो मेरे को ना मेजर बियर मार्केट रैली ना 2026-27 में लग रही है, उसके पहले लग नहीं रही है बाजार, साइकिल एनालिसिस के हिसाब से। ये शॉर्ट टर्म करेक्शन है, ये आते रहते सर। पिछली बार भी तो बाजार 18,800 मार के 15,000 आ गई थी ना, बाजार 15,200 आई थी ना, करेक्शन ही तो था, उसके बाद बाजार फिर वहां से गई, फिर 18,000, फिर 16,000, उसके बाद 20,000 हो गई। ये सब चीजें बीच बीच में आती रहती हैं और आती रहेंगी, इसको कोई रोक नहीं सकता है। ट्रेडर इन्वेस्टर के लिए भैया कि लाइब्रेरी में समय बिताओ और थोड़ा किताबें उताबें पढ़ो, और ट्रेनिंग वर्निंग भी लो, अच्छे से अच्छे लोगों से ट्रेनिंग वर्निंग लो, गुरु अच्छा खोजना बड़ा मुश्किल होता है, अच्छे गुरुओं से ट्रेनिंग लो और लाइब्रेरी में किताब में थोड़ा समय बिताओ, तो दैट विल बी यू नो गुड फॉर ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स बोथ। ठीक है मुकेश जी, बहुत 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 ही बढ़िया मैक सर, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा लगा आपके विचार सुन के सर, बहुत ही बढ़िया लगा। नितिले जी धन्यवाद आपका कि आप हमसे जुड़े, आपने अपना व्यू पॉइंट रखा, मैक सर आपने भी अपना व्यू पॉइंट रखा। इट्स गुड टू हियर कि बोथ द लेजेंड्स आर, मुझे अच्छा लगता है यार जब इतने बड़े बड़े लेजेंड्स आप और नितिले सर दोनों आते हैं प्लेटफॉर्म में और लोगों को सही तरीके से गाइड करते हैं, ये नहीं कि बस आए टिप दिए और चल दिए, इतना डिटेल डिस्कशन, वेरी गुड सर। मुझे तो बहुत मजा आता है कि मुझे भी सीखने को मिलता है और हमारे दर्शक जो हैं उनको भी सीखने को मिला है। इट्स गुड टू कंटिन्यू। चलिए सर अब विदा लेते हैं, टाटा करते हैं, बाय बाय करते हैं, फिर मिलेंगे अगले थैंक हफ्ते यू, जब थैंक अगला शूट होगा। ठीक है सर, यू मिलते नितेश हैं जी, फिर। थैंक यू मुकेश, थैंक यू सो थैंक यू मच। नितेश, थैंक यू सर, बाय बाय, टेक केयर।